Okay, so this is Javed and you're watching our YouTube channel Last Night Study, जिसमें हम लोग informative videos लेकर आते हैं relating to competitive exams and academic. So आज का जो हमारा important topic है वो basically Swami Vivekananda से relate करता है, लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें एक और topic को add कर देने जा रहा हूँ, that is राम कृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस जो कि इनके स्पिरिचुअल गुरु कहा जा सकता है, इनके स्पिरिचुअल टीचर या कहा जा सकता है, इनके गाइड फिलोसोफर कहा जा सकता है, ओके, स्वामी विवेकानंदा के. तो बेसिकली इनसे रिलेटेड मैं अभी रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ. हाँ, ओके, सो बात करते हैं हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म. जब हम लोग रामकृष्ण के बारे में या फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इंडिया. जी हाँ दोस्तों, अगर 19th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, सो वी हैव टू include these two personalities, यानी स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण. तो सेपरेटली अभी हम लोग पहले स्वामी विवेकानंद देन रामकृष्ण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और इनके थाउट्स एंड प्रिंसिपल्स क्या थे वो बेसिक फंडामेंटल चीजें हम लोग जानेंगे. ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि रामकृष्ण परमहंस जो कि इनके गुरु थे, सो स्वामी विवेकानंद इज here to spiritual realization of Ramakrishna. कहने का मतलब है ये इनके here का मतलब होता है you know, जो succeed करता है, जो वारिस होता है, इनके बाद जो इनके जो views थे, रामकृष्ण के जो views थे, उनको सक्सीड करते हुए यू नो इनके व्यूज़ को रियलाइज करते हुए, जो स्पिरिचुअल व्यूज़ कहा जा सकता है, उनको फर्दर वो लीड करते हैं स्वामी विवेकानंदा. इसके बाद अगर हम लोग कहा जा सकता है कि आखिर इनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये मैं प्रिंसिपल्स लिख देता हूँ या फिर प्रिंसिपल्स एंड हाउस. दूसरे पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, ह्यूमैनिज्म, ओके, इसके बाद कहा जा सकता है पैट्रियटिज्म, ओके, इसके बाद नेशनल कॉन्शियसनेस, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ पूरा स्पिरिचुअलिज्म. ये कुछ अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, विश्वास रखना. ह्यूमैनिज्म जो कि वर्ल्ड वाइड पूरा यूरोप में देखा जा सकता है, ह्यूमैनिज्म के ऊपर एक मूवमेंट चली काफ़ी सालों तक, काफ़ी मुद्दतों तक. पैट्रियटिज्म यानी अपने देश के प्रति यू नो भावना रखना कि हाँ देश के लिए कुछ करना है, यू नो एक नेशनलिज्म वाला सेंस क्रिएट कर रहा है पैट्रियटिज्म का मतलब होता है बेसिकली. उसके बाद नेशनल कॉन्शियसनेस, वही इससे रिलेट कर रहा है, अवेयरनेस से रिलेट कर रहा है, अवेयरनेस का मतलब होता है नेशनलिज्म. और फाइनली हम लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म, ये एक अच्छा टर्म है स्पिरिचुअलिज्म, जो जिसको कहा जा सकता है कि यू नो गॉड के प्रति यानी ऊपर वाले के प्रति जो है विश्वास रखना, और उसकी बनाई हुई प्रकृति को जो है उससे रिलेटेड जो फिलोसफीज है वो स्पिरिचुअलिज्म कहलाती है. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रामकृष्ण मिशन के जरिए, रामकृष्ण का जो व्यू था बेसिकली, उन्होंने उस व्यू को एक मिशन बना दिया, और मिशन बनाने के साथ उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन के नाम से एक इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन का आगाज़ किया, एक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया. देखिए कोलकाता में ही है, ओके,
इसके बाद बात करेंगे बेसिकली इनके और कुछ अहम थॉट्स के बारे में. जैसे कि मैंने बताया कि 19th सेंचुरी में जितने भी मूवमेंट्स और रिफॉर्म्स हो रहे, सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स, सब में कुछ चीज़ें कॉमन हैं. वो कॉमन चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको. जैसे अपोज किया, जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपोज किया किन चीज़ों को. पहला कहा जा सकता है अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी कहा जा सकता है, उसके बाद इलिटरेसी. ओके, इलिटरेसी के बाद कह सकते हैं हम लोग कास्टिज़म. जी हाँ, कास्टिज़म पर बिलीव नहीं करते थे रामकृष्णा और उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंदा. उसके बाद कहा जा सकता है कि औरतों पर जुल्म यानी ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ऑन वुमेन, कुछ भी कहिए. ओके, उसके बाद कहा जा सकता है कि कम्युनलिज्म पर भी बिलीव नहीं करते थे. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने कम्युनलिज्म, क्योंकि कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी या ह्यूमनिस्ट रैशनलिस्ट पर्सनालिटी वो कभी कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट लिखना बेकार है. ओके, सो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि इलिटरेसी को वो सपोर्ट, इलिटरेसी जो था कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में, उसको हटाने के लिए बहुत सारी फिलोसफीज भी दी. कास्टिज़म को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और औरतों पर जो जुल्म हो रहा था उनके ऊपर उन्होंने बेसिकली कुछ फिलोसफीज और प्रिंसिपल्स को सामने लाया. ओके, अब बात करेंगे कि इनके थॉट्स की वजह से स्कॉलर्स का जो रिमार्क था कहीं ना कहीं पायनियर ऑफ नेशनलिज्म की तरफ एड्रेस करती है. ओके, अब क्यों एड्रेस करती है? क्योंकि इनके जो लिटरेरी वर्क्स थे पायनियर ऑफ नेशनलिज्म से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं इनको पायनियर ऑफ नेशनलिज्म कहने पर मजबूर कर रही है. ओके, सो वो कौन से इनके इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है वो मैं बता देना चाहता हूँ. पहला होगा जनान योगा, दूसरा होगा राजयोगा, तीसरा हम लोग कह सकते हैं वर्तमान भारत, सॉरी BARTAMAN, वर्तमान भारत. ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरिज्म का सेंस भी दे रही है. ओके, तो रेवोल्यूशनरिज्म का भी सेंस क्रिएट कर रही है, इसलिए इसको नेशनलिज्म, पायनियर ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जा सकता है. उसके बाद अरबिंदो घोष, जो कि एक कांग्रेस के एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनका रिमार्क रहा कि ये आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल लाइफ, इनको आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल लाइफ के क्रेडिट से ये फुकार है. मतलब उन्होंने क्रेडिट दिया कि इनको आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल लाइफ कहा जाना चाहिए वगैरह वगैरह. और एक स्कॉलर है जिनका नाम है आरजी प्रधान. जी हाँ दोस्तों, आरजी प्रधान. अब इन्होंने इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म का क्रेडिट दिया, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ. ओके, लेकिन ये दूसरा एस्पेक्ट बेसिकली जो जॉइंटली एक ही तरफ इशारा कर रहा है, एक ही तरफ एड्रेस कर रहा है, वो होता है बेसिकली कुछ चेंजेस लाना. अब चेंजेस इसलिए लाना क्योंकि वो ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग सिस्टम इन हिंदुइज्म उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आइडियलिज्म को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो सवाल ये पैदा होता कि अब हिंदुइज्म में कैसी फिलोसफी होनी चाहिए. तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने सोचा कि रीइंटरप्रेट किया जाए, हिंदुइज्म को रीइंटरप्रेट किया जाए, उनकी जो सही फिलोसफीज़ है उनको डिमॉन्स्ट्रेट, उनको हाईलाइट किया जाए, लोगों को समझाया जाए, और यही उनके मिशन का एक प्लान बन गया. तो इस प्लान को या फिर इस मिशन को कहा जा सकता है न्यू वेदांता, न्यू वेदांता, न्यू वेदांतिज्म, न्यू हिंदुइज्म. हालांकि न्यू हिंदुइज्म के बारे में पिछले कुछ स्कॉलर्स ने, फ्रॉम राजाराम मोहन रॉय टू सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट रिफॉर्मर्स,
लोगों ने सोचा, रिफॉर्मर्स ने सोचा कि इस पर काम किया जाए, लेकिन दीज टू पर्सनैलिटीज कहा जा सकता है कि बहुत ही वाइटल तरीके से इन्होंने उसको रीइंटरप्रेट किया. ओके तो न्यू हिंदू वेदांता का मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जा सकता है कि री एस्टैब्लिशमेंट री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड लिबरलाइजेशन इन इट. लिबरलाइजेशन तो इन चीज़ों पर बेसिकली जो है न्यू वेदांतिज्म की फिलॉसफी है कि कहीं ना कहीं इनको लिबरलाइज करे, फिर से रीइंटरप्रेट करे और उसमें कुछ चेंजेस लाकर उसको एस्टैब्लिश करे, रीस्टैब्लिश करे. तो ये बेसिक चीज़ है. अब श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में इन शॉर्ट अगर देख कर जाएंगे तो उनका भी वही जो फिलॉसफी था जिन फिलॉसफीज पर स्वामी विवेकानंद ने भी काम किया कि उनका कहना था कि जितने भी चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो बुद्धिस्ट को मानने वाले हो, तमाम के तमाम एक ही गॉड को फॉलो करते हैं और एक ही एक ही पाथ पर आते हैं, एक ही रास्ते पर आते हैं फाइनली. ओके सो ह्यूमैनिज्म से चूंकि ये दो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, सो बेसिक जो था उनका मानना यही था कि स्क्रिप्चर्स को मानना या फिर रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास कह सकते हैं हम लोग, और रिचुअल्स जो होते हैं ये तमाम के तमाम मेथड्स जो है वो ऊपर वाले को पाने का ज़रिया नहीं है, गॉड को पाने का ज़रिया नहीं है. अगर गॉड को पाना है तो उनकी एक अहम फिलॉसफी थी टू सर्व द ह्यूमन काइंड इज टू सर्व द गॉड. यानी अगर गॉड को पाना है, ऊपर वाले को पाना है, तो ह्यूमन काइंड को सर्व करना होगा, उसके हक में, उसके बेटरमेंट में कुछ अच्छा करना होगा. तो ये इनकी बेसिक फिलॉसफी थी. उन्होंने सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करा, कम्युनलिज्म को अपोज किया वगैरह वगैरह, और इस तरीके से इनकी जो बेसिक फिलॉसफीज थी रिलीजियस रिफॉर्म में 19th सेंचुरी में बहुत ही अहम रोल निभाती है. इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया सो लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.